सो नाउ लेट अस सी प्रीवियस ईयर पेपर. नाउ अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न. लेट सी बीए पार्ट वन ऑनर्स एग्जामिनेशन 2019 सेशन. ये जो पेपर आपका ये 18 से 21 सेशन डिग्री वन का है. और ये जो आपका जितना भी आप क्वेश्चन देखिएगा इसमें मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप पासिंग मार्क्स इजीली गेट कर लीजिएगा अगर आपने इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया तो. यहाँ पे कुछ आपको एक नोट दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. और पेपर पैटर्न सेम वही है, 3 घंटा का है. मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 मिलेंगे, ठीक है. और कोई पेपर में पैटर्न में चेंजिंग नहीं हुआ है. दैट मीन्स कि सबको लगा था कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, बट कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने वाला है. एग्जाम सब्जेक्टिव ही होगा क्योंकि पाटलिपुत्र ने खुद कहा है कि हमारा पैटर्न जो है वो प्रीवियस ईयर ही रहने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चंस करने हैं. एक क्वेश्चन 17.5 मार्क्स का होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. अब जैसे आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस टोटल दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच. इसका आप स्क्रीनशॉट भी इस क्वेश्चंस का ले सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलिजाबेथन थिएटर के बारे में आपको बताना है. सेकेंड है क्रिस्टोफर मार्लोवे के बारे में बताना है. इसको बताना नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है 17.5 मार्क्स का है. दैट मीन्स कि आपको इस क्वेश्चन को 6 से 5 पेज में लिखना है, मैंडेटरी है. उससे कम में लिखेगा आपको मार्क्स बेटर नहीं मिल पाएगा. सी है कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, रेनाइजेंस इन 16th सेंचुरी, डेवलपमेंट ऑफ रीस्टोरेशन ड्रामा. सिक्स है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियो क्लासिकल पोएट्री. आपका जी है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रोमांटिक पोएट्री. एच है द सोशल नोवेल इन द विक्टोरियन पीरियड. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. तो आपने जैसे देखा था कि क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में आपको इसमें से सिर्फ दो ही एक्सप्लेन करने हैं. तो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में देखिए, इसको आप इजिली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है. ये है राइटर शॉर्ट नोट ऑन क्रिस्टोफर मार्लोवे, ठीक है. इसको बहुत फार बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें बताया हुआ है क्रिस्टोफर मार्लोवे जो थे उन्होंने एमए डिग्री कैम्ब्रिज से किया था, जो कि लंदन से आते थे. फिर उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी का जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट किया था. बाकी आप इस आंसर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. फिर उसके बाद से आपको एक क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ रीस्टोरेशन ड्रामा. इसका मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, यहाँ पे आपका शो योर एक्विंटेंस विद रीस्टोरेशन ड्रामा. इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. सेम यही तक है. और फिर इसका यहां से लेके यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा. एक क्वेश्चन है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रोमांटिक पोएट्री. तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द प्री रोमांटिक पोएट्री. दोनों के क्वेश्चन के कहने का मतलब सेम है, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा. इसके बारे में बताया हुआ है कि रोमांटिक पोएट्री कब से स्टार्ट हुआ था, 1750 से 1800 तक था. ये एक मोमेंट चलाया गया था इंग्लिश पोएट्री के थ्रू, ठीक है. बाकी आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको काफी एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ये आंसर आपका यहां तक है. नाउ हम क्वेश्चन 2 देखते हैं. ये आपका 17.5 का सेम वैसा ही पैटर्न है. दो ही इसमें से आपको आंसर देने हैं. पहला क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर एज अ सोनेट राइटर. सेकंड है द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इन विक्टोरियन एज, चार्ल्स डिकेंस एंड द रियलिस्टिक नोवेल, जॉन डोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट. ई है द सीरियलाइज्ड नोवेल्स इन या ऑफ द 19th सेंचुरी. सिक्स्थ है पीबी शेली एज अ रोमांटिक पोएट, एलेक्जेंडर पॉप द हाइएस्ट प्राइस्ट ऑफ नियो क्लासिकल पोएट्री, डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नोवेल. ये जो आपका आंसर है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द रोमांटिक कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, ये आपका एग्जैक्ट सेकेंड का पहला आंसर है विलियम शेक्सपियर एज अ सोनेट राइटर, क्योंकि इसी में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस आंसर को. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा.
जो कि आपका यहाँ तक एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था जॉन डॉन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, जो जाते जाते ही आपको ऐसे ही लाइन में एकदम लिखना है कि जॉन डॉन वो एक सेकुलर यूथ था, ठीक है। उसने जो अपना ऑर्डर स्टूअर्ड्स किया था वो 43 के एज में किया था 1615 में। बाकी आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक आंसर एक्सप्लेन कर सकूं। बस आप खाली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से याद करिएगा। लास्ट क्वेश्चन का था एक लास्ट क्वेश्चन इसमें का था द सीरियलाइज्ड नॉवेल्स इन या ऑफ द 19th सेंचुरी। इसका पेज आप 40 पे देखिएगा। तो क्वेश्चन अब देखिए पूछ रहा है द सीरियलाइज्ड नॉवेल्स इन या ऑफ द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट तरीके से बताया हुआ कि 19th सेंचुरी में हिस्टोरिकल और डोमेस्टिक नॉवेल क्या था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह आपका एक क्वेश्चन है थर्ड वाला। एक आंसर आपको देना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक आंसर सिर्फ देना है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। एंड सेकंड क्वेश्चन है इलेबोरेट ऑन द लैटिन एंड फ्रेंच बोरोइंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि आपका है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। सो इसका आप आंसर का स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्योंकि सब क्वेश्चन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जितना पॉसिबल है उतना मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। राइट अ नोट ऑन वर्ड फॉर्मेशन। सो आप इसका एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आपका ये आंसर दिया हुआ है, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक है लास्ट क्वेश्चन का, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये 7.5 मार्क्स का है जिसको आप दो पेज में एक्सप्लेन करिएगा, आपको गारंटी 7.5 मार्क्स मिलेंगे, 7 तो पक्का मिल ही जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको चारों क्वेश्चंस को बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट है कंपाउंडिंग ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग अक्रॉस इन लैंग्वेजेस, सी मॉर्फेम, और डी द 5 मेजर ग्रुप ऑफ मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स। अब इन चारों का आप आंसर देख लीजिए, इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बचा हुआ है इसमें से भी आपको सिर्फ दो एक्सप्लेन करने हैं, एनी टू एक्सप्लेन करिएगा। कंपाउंडिंग ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग अक्रॉस इन इंग्लिश या लैंग्वेजेस, मॉर्फीम, द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें से आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये आपका एक रिवीजन टाइप में हो जाएगा। काफी आपको ये वीडियो हेल्प करने वाला है, ये मत समझ के जाइएगा कि यही क्वेश्चन पेपर सेम आने वाला है, ये मैं आपको पहले अलर्ट कर देता हूँ। इसमें से हो सकता है और पॉसिबल भी है, और मैं आपको होप दिला सकता हूँ कि इसमें से आप पासिंग मार्क्स जरूर ला सकते हैं अगर आपने इतना पढ़ लिया तो। और मैं लास्ट में वो कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो आपको काफी हेल्प करेगा। तो आप इसका फटाफट देख लीजिए चारों का, और आपको क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है तो फटाफट आप देख लीजिए, आपको काफी बेटर हेल्प मिल सकता है। ये आपके 4th का पहला है कंपाउंड ऑफ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेजेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड है द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग अक्रॉस इन लैंग्वेजेस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको ये देखिए राइट अ नोट ऑन द ग्रीक बोरोइंग्स, क्वेश्चन भी यही कह रहा है बोरोइंग के बारे में, बट इसमें ग्रीक नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको ग्रीक बता रहा हूँ क्योंकि ग्रीक का ही इसमें बोरोइंग हुआ था। सी है मॉर्फीम, मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फीम के आपको टाइप्स बताने हैं। यहाँ सिर्फ आपको मॉर्फीम दिया हुआ है बट मैं आपको बता रहा हूँ मॉर्फीम का, सबसे पहले आपको जाते जाते मॉर्फीम लिखना है, फिर उसका डेफिनेशन देना है, फिर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप के मॉर्फीम होते हैं, एक फ्री मॉर्फीम हो गया आपका, एक बाउंड मॉर्फीम हो गया, एक कंपाउंड मॉर्फीम हो गया, और एक मैलापोरिज्म हो गया। मैलापोरिज्म आपको बताता है मॉर्फीम के बारे में, तो इसको भी आपको लिखना ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स। तो इसमें तो मैं आपको सिर्फ एक टाइप का बताता हूँ, डायलेक्ट्स होता क्या पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर लीजिए। डायलेक्ट, इसका डायलेक्ट का मतलब ये होता है कि ये एक वैरायटी लैंग्वेज का वैरायटी है जो कि स्पेशली
एक आदमी स्पोक कर सकता है स्पेसिफिक पार्ट में या कंट्री में, कहाँ पे, ज्योग्राफिकल एरिया में। इसको आप देख लीजिएगा, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा। ये कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, जो कि आप थोड़ा गूगल करिएगा और इसके आंसर फाइंड करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। ये सारे एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और अगर आप ये पढ़ के जाते हैं आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड टाइम पे ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आई होप सो कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलेगा, और इस वीडियो देखने के बाद से आप लोग बेफिक्र होकर अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, अपना मास्क वेयर करके जाइएगा, सैनिटाइजर ले लीजिएगा, और ऑल्सो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा। थैंकिंग यू, और जितना हो सके इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब रोज़ रोज इस चैनल पे सुबह शाम वीडियो अपलोड होते रहेंगे सब ऑनर्स के, सब्सिडरी के। थैंक यू।